सिलेबस फॉर योर रिवीजन टेस्ट टू। हाँ जी, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। आपकी कोई डिफिकल्टी का कोई टॉपिक है तो पहले आप बता दो। और लिसन टू मी द पैटर्न ऑफ पेपर ऑल्सो। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 45 क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क, बट द पेपर विल बी ऑफ 35 मार्क्स। ठीक है, पेपर इज ऑफ 35 मार्क्स, बट देर विल बी 45 MCQs इन द फॉर्म ऑफ सिंपल MCQs, assertion reason और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो मैं वही बता रही हूँ कि आपको हम 45 में से ही मार्क्स देंगे पहले, लेटर ऑन वी विल कन्वर्ट दैट टू 35। वो तो आपके ही मार्क्स हैं, है ना। देखो नहीं तो फिर ये हो सकता है कि 0.8 का फिर एक बनता है MCQ, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ईच 0.8 फिर वो भी नहीं बनेगा। अगर हम 0.8 करते हैं ना, 0.8 करते हैं तो भी 36 मार्क्स। ये बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन आई है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कौन सा? बट हम अभी से फॉलो कर, आपको यूज टू हो जाएगी ना, तो आप लोग यूज टू हो जाओगे। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस विल बी MCQs, नोट कर लो पैटर्न। टाइम 1.5 आ रही है। हाँ, वो कोई बात नहीं, मिल जाएगी। नहीं, उस आगे पेपर वाले दिन पता चलता है, पहले पता लग ही जाता है ना। 40 क्वेश्चंस विल बी MCQs, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन है, एंड 2 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी है, ईच कंटेनिंग 5 पार्ट्स ईच। ये 40 के अंदर ही 5 है, ये वाले, ये जो 5 assertion reason है, 40 में included होंगे। 2 case study है, each containing 5 parts, मतलब 10 marks के ये हो गए आपके, ठीक है, और 40 के ये हो गए, कितना हो गया आपको? 50 का हो गया। हाँ जी, सेम। हाँ जी, वही, मतलब देख लेना, 12th का पैटर्न है CBSE का जो आया, सेम वही पैटर्न, ठीक है, तो वो आप देख लेना। मतलब उसमें चॉइस भी दी हुई है ना, हमने आपको इंटरनल चॉइस नहीं देनी, इसमें एक भी क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस नहीं होगी। तो करने वाले क्वेश्चन आपके 45 मार्क्स के हैं, ठीक है, तो तीनों टाइप्स के होंगे, बस ये आप नोट करिए। 5 assertion reason है, 2 केस स्टडी है, और बाकी सारे MCQs, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। हाँ, टाइम 1.5, 35 मार्क्स का पेपर। चलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो किसी ने। यस, नाउ एनी डाउट इन एनी टॉपिक पर्टिकुलर, अगर आप चाहते हो तो वो पहले रिवाइज कर लो। कोलिजंस, ठीक है, डेरिवेशंस, कोलिजन। चलो, कोलिजन जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजंस बेसिकली। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन, वन एंड द सेम थिंग। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन where momentum and kinetic energy both are conserved. Example, collisions among gas molecules, collisions among billiard balls. Moderator slows down the fast neutrons in a nuclear reactor through elastic collision. ये सब उसके example है. Ball be bounding to the same height. ठीक है? In elastic collision, like road accidents taking place, momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. In all the 3, momentum is conserved. In all the 3, total energy is conserved. The question is whether kinetic energy is conserved or not. तो first में kinetic energy conserved रहती है, second में भी और third में भी नहीं होती है. What is the difference between inelastic and perfectly inelastic? इसमें उसके features भी हैं. Perfectly inelastic में the
kinetic energy is not conserved, momentum is conserved. But one more thing is there, that the objects stick together and behave as a combined system after the collision and move with a common velocity. That common velocity may be zero also. मतलब दे में कम टू रेस्ट ऑल्सो आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अ बॉल रीबाउंडिंग टू द सेम हाइट. इन इलास्टिक कोलिजन एट ईच कोलिजन विद द ग्राउंड इट गोज ऑन लूजिंग द एनर्जी. ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक इट डजंट रीबाउंड एट ऑल. उसके साथ ये स्टिक कर गई. जैसे आपने क्ले की बॉल नीचे फेंक दी तो क्ले स्टिक्स टू द ग्राउंड. So that's why it will not rebound. It has stuck to the object and their common velocity is zero. So ये आपकी perfectly inelastic collision होगी. What is value of E for perfectly elastic collision? Coefficient of restitution कितना है perfectly elastic collision के लिए? One. हमने prove किया derivation. याद है आपको? Coefficient of restitution हमने prove किया था. Relative velocity of separation over relative velocity of approach, that is equal to 1. And inelastic collision ke liye, it lies between 0 and 1. For perfectly elastic collision, E is 0. How can you say that? Can you prove that perfectly elastic collision mein E 0 ho jata hai? Dekho kaise. Ye aapke coefficient of restitution ka formula hai. After the collision, the objects stick together. Theek hai? और इनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है. सो दैट्स व्हाई ई इज जीरो. वी से ना कि परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन में दोनों एक वेलोसिटी से मूव करते हैं, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी होती है. तो वी वन वी टू दोनों सेम हो जाएंगे इस केस में, एंड दैट इज इक्वल टू वी. सो दैट्स व्हाई ई विल बी इक्वल टू जीरो. व्हाट इट? तो ये पहले तो ई नोट कर लो. ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है. ठीक है, ये पता होना चाहिए. अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इसके आपको केसेस वगैरह फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू पता होने चाहिए. पहले वी वन वी टू का फॉर्मूला क्या था फाइनल वेलोसिटीज का, याद है आपको? वी वन क्या था? एम वन माइनस एम टू, एम वन प्लस एम टू यू वन प्लस टू एम टू यू टू ओवर एम वन प्लस एम टू. एंड वी टू का फॉर्मूला क्या था? वन का टू कर दो. ये थी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. फिर हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लेके तीन केसेस आगे डिस्कस किए थे और हमने मासेस भी सेम पुट किए थे. व्हाट डिड वी फाइंड बाय पुटिंग मासेस सेम? अगर दो ऑब्जेक्ट जो इलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं उनका मास सेम है तो क्या होगा? चलो कौन बताएगा? मैं नहीं, इन जनरल वी आर स्पीकिंग. क्या होगा अगर दो ऑब्जेक्ट्स के मास सेम है तो क्या होगा? यहां से करिए कैलकुलेट, क्या होगा? एम वन पुट एम वन इक्वल टू एम टू, व्हाट विल हैपन? जीरो नहीं आएगा. नहीं देखो, यस समृद्धि मैम, उनकी वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी. क्या होगा? उनकी वेलोसिटीज इक्वल हो जाती हैं. वेलोसिटी इक्वल किसके इक्वल? मैम जो वी टू है वो यू वन के इक्वल हो जाती है. वी टू किसके इक्वल हो जाएगा? यू वन के. यू वन के वी वन यू टू और वी टू यू वन, क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन. दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, भूल गए. सो इफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मास देन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन. दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द मॉडरेटर दैट स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. तो उसमें देखो जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, उसके लिए न्यूट्रॉन जो है वो स्लोड डाउन होना चाहिए. तो वो जब रिएक्शन के बाद इतनी सारी एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है तो वो बहुत फास्ट होते हैं, उनको स्लो डाउन करना पड़ता है. कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं हम? बाय
colliding, by elastically colliding the neutrons with the deuterons. Moderator used is heavy water with the chemical formula D2O. So deuterons or neutrons ka mass almost same hota hai. So when the moderator is there inside the nuclear reactor, then deuterons and neutrons, they collide elastically. And that's why they exchange their velocities. Neutrons that were fast, they get slowed down. And deuterons that were slow, they get fast. Par usse hame koi fark nahi padta. Hame neutrons slow chahiye to achieve the desired products. The neutrons have to be slowed down. ठीक है? तो ये इलास्टिक कोलिजन के थ्रू पॉसिबल होता है उसमें. अगेन अनदर एग्जांपल वाज बिलियर्ड बॉल्स. इफ यू इमेजिन ऑन पूल टेबल, एक बॉल रेस्ट पे पड़ी है, आप दूसरी बॉल से हिट करते हो, तो पहली चल पड़ती है और दूसरी रुक जाती है, उसकी स्पीड से वो चलेगी. तो दे एग्जैक्टली एक्सचेंज देयर वेलोसिटी बिकॉज बिलियर्ड बॉल्स दे वर आइडेंटिकल, दे हैड एग्जैक्टली सेम मासेस, तो इसलिए वो एक्सचेंज कर लेंगी. नहीं, वो सेम ही, उसको आप यही मानोगे कि इलास्टिक कोलिजन है. ऐसे गैस मॉलिक्यूल उसमें भी हम यही अज्यूम करेंगे. तो ये हो गए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन. इसके आगे तीन सब केसेस थे, वो रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट सब केस, ये तो हो गया इक्वल मास हो तो क्या होता है, एक्सचेंज कर लेंगे वेलोसिटी. सेकंड केस वाज व्हेन अ हेवियर ऑब्जेक्ट, वेरी हेवी ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ लाइटर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, व्हाट विल हैपन. मतलब अगर यहाँ पे एक तो यू टू जीरो ले लें, सेकंड ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड एम वन इज मच ग्रेटर देन एम टू, सो पुट एम टू इक्वल टू जीरो, एक तो क्या आएगा फिर. इमेजिन अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अ लाइटर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. आई गेव यू एग्जांपल ऑफ अ ट्रक स्ट्राइकिंग अ साइकिल एट रेस्ट, तो U1 V1 के इक्वल रहेगा. मतलब ट्रक अपनी स्पीड से जाता रहेगा, साइकिल से स्ट्राइक करने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो V1 will be equal to U1, but what will be U V2? It will be 2 U1, but the cycle will be dragged with double the speed of heavier object. क्योंकि वो लाइट है. अब ट्रक उसको अपने साथ ले गया, अब ट्रक की स्पीड से तो ज्यादा ही मोमेंटम आएगी ना उसमें, तो उससे डबल स्पीड से मूव करेगा. ये हमारा सेकंड रिजल्ट है. थर्ड रिजल्ट, इफ m2 इज मच ग्रेटर देन m1, पुट m1 इक्वल टू जीरो, सो अ लाइटर बॉल स्ट्राइकिंग अ हेवियर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. सो आई टोल्ड यू, आई गेव यू एग्जांपल ऑफ अ बॉल कोलाइडिंग विद अ वॉल. एक बॉल जो एक वॉल से कोलाइड कर रही है, क्या होगा, हम बॉल फेंक रहे, क्या होगा उसको, बॉल तो वहीं पे रहेगी. u2 और v2 अभी भी जीरो है, पर बॉल वापस आ जाएगी उतनी स्पीड से, तो v1 क्या आएगा, माइनस u1. ये अपनी स्पीड की स्पीड वही रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये उतनी स्पीड से वापस आ जाएगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट दिस, तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के. ठीक है, अब हमने इसकी तीन डेरिवेशंस की हैं. एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये वाली. एक टू डायमेंशन में जिसमें बॉल स्ट्राइक करके ऐसे चली जाती हैं, उसमें हमने बस तीन इक्वेशंस लिखी थी, इसको सॉल्व करके हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. और थर्ड डेरिवेशन भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाते हैं आफ्टर द कोलिजन, पहले हमने कॉमन वेलोसिटी निकाली, फिर हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाली. काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट. आपको याद है कॉमन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, कॉमन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, जस्ट यू हैव टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कौन बताएगा, यस रेज हैंड. नो आइडिया. कॉमन वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2. तो पहले हमने कॉमन वेलोसिटी निकाली थी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एक तो e जीरो है, आपकी कॉमन वेलोसिटी है m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2.
ठीक है। और क्या था इसमें आपका, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लॉस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है ना, लॉस टेक्स प्लेस। व्हाट इज द लॉस अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ, ये बताया था। ये एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, केस स्टडी में बन सकते हैं। हाउ विल दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपीयर, वेयर विल दैट काइनेटिक एनर्जी गो? यस, इट विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड विल बी वेस्टेड टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, और कितना था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? हमने इनिशियल माइनस फाइनल निकाला था, अगर याद हो आपको। हाँ, एम वन प्लस एम टू, एम वन एम टू, यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर, ये था ना। तो अगर जरूरत है तो प्रूव कर दूं कि ठीक है। ठीक है, डू आई नीड टू प्रूव इट और इट्स ओके? प्रूव कर दो मन्ना, आपको आता है? कैसे निकाला था, थोड़ा हिंट दे देती हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करती। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो पहले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉल्स, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, दो बॉल्स है ना, सिचुएशन ये है, ये ऐसे आ रही है, फिर स्टिक कर जाती है, कॉमन वेलोसिटी से जा रही है, ये सिचुएशन। तो पहली बॉल भी मूव कर रही है, दूसरी भी, बिफोर द कोलिशन दोनों की काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो कंबाइंड मास क्या है, एम वन प्लस एम टू, और उनकी स्पीड क्या है, वी। तो हाफ एम वन प्लस एम टू वी स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व किया था हमने, वी का फॉर्मूला पुट कर दिया था यहाँ, कॉमन वेलोसिटी का। वी का फॉर्मूला क्या था, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ओवर एम वन प्लस एम टू। एलसीएम लेके सॉल्व करके ये आ गए, और ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, ये स्क्वायर पॉजिटिव है, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये भी सारा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस E is equal to delta mc square, सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ तो आपको कराया नहीं गया है, पर मैं इसको आपको टू थ्री स्टेप्स वाला एक प्रूफ करवा देती हूँ। मेन डेरिवेशन नहीं करते, वो काफी लॉन्ग डेरिवेशन थी, वो नहीं करते, एक बार थोड़ा आइडिया हो जाएगा वो करवा देती हूँ। मास एनर्जी इक्विवेलेंस कमिंग फ्रॉम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि मास जो है अदरवाइज हम कॉन्स्टेंट लेते हैं, बट वेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट, जब पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करता है तो उसका मास वेरी करना शुरू हो जाता है, दिस इज अ वेरिएबल मास सिस्टम। तो वो मास वेरिएशन कैसे होती है स्पीड के साथ, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ली थी। तो वो फॉर्मूला लिख लो क्या था, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी, दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन टू मास, अभी तक हमने ये सुना है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू अनदर,
बट मास कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ये भी ट्रू है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जब एक गामा रे फोटोन होता है ना हमारे पास, सूटेबल एनर्जी का 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पता है? ये होती है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होगी? मेगा मीन्स 10^6, तो -19 और 6 हो गया -13. नोट कर लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को इसी में एक्सप्रेस किया जाता है. तो जब हमारे पास एक गामा रे फोटोन होता है जो एनर्जी का सिंबल है, एनर्जी का सिंबॉलिक है, उसकी एनर्जी अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में स्प्लिट अप हो जाता है. ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल. एंटी पार्टिकल मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, मास चार्ज सब सेम है एक्सेप्ट फॉर द साइन ऑफ चार्ज. आप कहोगे प्रोटॉन भी तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ही है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है. नो, प्रोटॉन इज नॉट एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मास तो एमयू है, 1 AMU. इलेक्ट्रॉन का मास होता है डिफरेंट. ये जो पॉजिट्रॉन है इसका मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जितना ही है, 9.1 × 10^-31 kg. ठीक है, मच लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये जब गामा रे फोटोन की इतनी एनर्जी होती है, स्प्लिट हो जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर. दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस. इसको नाम देते हैं इस रिएक्शन को पेयर प्रोडक्शन. तो इसमें आप देख रहे हो कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है. ये पार्टिकल्स हैं, दे आर फॉर्म ऑफ मैटर, ये मास का सिंबॉलिक है. और गामा रे फोटोन, ये EM वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ गामा रे फोटोन्स. तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, इसका रिवर्स भी है. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब ज्वाइन करते हैं, दे प्रोड्यूस 2 गामा रे फोटोन्स. वो सिर्फ कंजर्वेशन की वजह से है, टोटल एनर्जी उतनी रहती है 1.02. ये सिर्फ कुछ कंजर्वेशन लॉस की ऑब्जर्वेंस के लिए यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जाता है कि एक की जगह 2 गामा रे फोटोन निकलते हैं, बट अदरवाइज सेम ही चीज है. तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं तो गामा रे फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ मैटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ मैटर. एनिहिलेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन. तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उनका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस कन्वर्जन. अब इसका हम एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं, वैसे ही करवा रही हूं आपको. अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, according to theory of relativity, mass varies according to this relation, where m naught is rest mass. जब वो rest पे था तब उसका mass कितना? अब जब वो light की speed के काफी close पहुंच गया तब उसका mass कितना? ये m है. v क्या है? speed of particle. c क्या है? speed of light in the air. तो अगर आपसे पूछा जाए can a particle have a speed greater than that of light, आप इस फॉर्मूला से इसको प्रूव कर सकते हो. अगर आप v को ग्रेटर देन c पुट करो, देखो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से अ पार्टिकल कैन नॉट हैव अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट. v कैन नॉट बी ग्रेटर देन c. तो इसको अब हम प्रूव करने के लिए बस इसको ओपन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. मतलब ये फॉर्मूला आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ये प्लस वन को पता होना चाहिए. उन्होंने ये चीजें डिलीट कर दी हैं, बल्कि ये बहुत क्रूशियल चीजें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूला बता रही हूँ आपको बस. ठीक है, इसको आप स्क्वायर करोगे, उस साइड पे ले जाओगे, इधर ले आओगे, ये आ जाएगा. आप कहो तो मैं करवा देती हूँ, कर दूँ प्रूफ. वैसे इसके बहुत हमारी बड़ी डेरिवेशन थी कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, वो नहीं हम कर रहे हैं इसकी.
ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। हाँ ये वर्क एनर्जी यूनिट का ही था पर ये अब उसमें डायरेक्टली है नहीं है सिलेबस में, तो पर थोड़ा सा आइडिया मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो चलो प्रूफ रहने देते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स नॉट डू द प्रूफ, बट ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, मतलब साइंस स्टूडेंट और उनको पता ही ना हो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, आप मास को कॉन्स्टेंटली लेके चलते रहो तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो रॉकेट में भी ऐसे ही होता है, अनदर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम इज रॉकेट प्रोपल्शन, वो भी डेरिवेशन काट दिए उन्होंने। रॉकेट के केस में क्या होता है, जब रॉकेट अर्थ से बहुत दूर चला जाता है, इट एंटर्स द स्पेस, देन इट्स मास स्टार्ट्स वेरिंग विद स्पीड, तब उसका भी मास वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि आप देखते हो ना रॉकेट कितना फास्ट हो जाता है जब ये स्पेस में एंटर करता है, तो इसकी स्पीड लाइट के पास पहुंचने वाली हो जाती है, उस टाइम पे उसका मास भी वेरी करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मास जो है वो स्पीड के साथ वेरी कर सकता है। चलिए अगर डाउट है तो पूछ लो बच्चे अब। ऑल द बेस्ट फॉर डिवीजन टेस्ट टू टुडेज टेस्ट। सबने अटेम्प्ट करना है, कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। मुझे तो कोई कहता ही नहीं है, बाद में पर्सनल एक दो बच्चे मैसेज कर देते हैं,